नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको नाश्ता बनाकर दिखाएंगे आलू और सूजी का, जो क्रंची है और कुरकुरा है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना जल्दी बन जाता है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए हमारी रेसिपी किस तरह से बनाया जाता है, चलिए बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत टेस्टी नाश्ता बनाकर दिखाएंगे। देखिए सूजी और आलू से सिर्फ दो चीजों से हम नाश्ता बनाकर दिखाएंगे आपको। ये हमने आलू ले लिए हैं, ये हमने हरी मिर्च कट कर लिया है। देखिए इसमें हम सूजी ले लेंगे एक कटोरी। हमने पैन रख दी है, इसमें दो चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल को हम गर्म करेंगे। इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच राई डालेंगे, पानी को गर्म होने देंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, एक जरा सी से बिल्कुल लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कितना तीखा खाते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे हमारा नाश्ता टेस्टी बनेगा और चटपटा बनेगा और आपके यहाँ कम खाते। चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। आप अगर मिर्च कम खाते हैं आपके बच्चे तो आप कम डाल सकते हैं। हमने इसमें अपने अनुसार डाली है कि कितना चटपटा खाते हैं हमारे। देखिए कटोरी इसमें सूजी डालेंगे, हमारा पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। सूजी को हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इससे गांठ लेनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो। देखिए सूजी हमारी डो फॉर्म में आ गई है, बिल्कुल टाइट हो गई है, हमने अच्छे से चला दी है। देखिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया इसमें, इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक बिल्कुल इसका पानी नहीं खत्म हो जाता। देखिए पानी इसका बिल्कुल खत्म हो गया है, गैस बंद कर देंगे। हमारा सूजी का बैटर तैयार हो गया है बिल्कुल टाइट। अब इसे ठंडा करेंगे 5 मिनट के लिए। देखिए सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको हम ठंडा करेंगे। ये हमने दो आलू ले लिए, इनको हमने छील लिया है और इन्हें कद्दूकस करेंगे। आप इसे इन्हें हाथ से ना फोड़ें, कद्दूकस ही करें तो आपके आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे। सूजी हमारी हल्की ठंडी हो गई है, इसमें हम धनिया भी डालेंगे और इसमें आलू को भी डाल देंगे। देखिए आधी चम्मच से कम नमक और डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार। अब इन्हें सभी को मैश करेंगे। देखिए हमने दोनों चीज को अच्छे से मैश कर लिया है बिल्कुल हाथों की सहायता से। इन्हें अच्छे से मसलना है। देखिए बिल्कुल आटे की फॉर्म में हमारा आ गया है। देखिए इस तरह से हम एक लोई लेंगे इसे हाथों की सहायता से। देखिए इस तरह से हम लंबा कर लेंगे और इसके हम गोल गोल निकालेंगे इस तरह से। आप इसके जो भी आकार देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए हमने गोल बॉल की तरह बना लिए हैं, ये हमने देखिए चकोर बना लिए हैं। आप इन्हें कोई भी आकार दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देखिए इस तरह से हमने गोल बनाकर और इस तरह से अलग निकाल देंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से लेकर और हाथ से इस तरह से बनाएंगे। देखिए हमारे ये दूसरा आकार बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे हमारे हमने दो डिजाइन बना के तैयार कर लिए हैं। ये हमने ये छोटी छोटी बॉल तैयार कर ली हैं, ये हमने लंबे आकार के बना लिए हैं। ये की चीज में से हमने दो चीज बना के तैयार कर ली हैं। ये नाश्ते में बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए हम इन्हें तलेंगे। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इन्हें डालेंगे ऑयल में। आप इन्हें बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, टिफिन में, लंच बॉक्स में, और सुबह को आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप जितने ऑयल में आएंगे आप देखिए हमने तेल डाल दिए हैं और मेरे दोनों तरफ
देखिए हमने डाल दिए हैं इनको बॉल्स को और मिनट दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। मैं हम एक मिनट तक इस तरह से पड़ जाने देंगे जब तक हम छेड़ेंगे नहीं, जब तक कि अपने आप ऊपर नहीं आएंगे। देखिए हमारे एक तरफ से लाल हो गए हैं, हमने पलट दिए हैं, हम दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। हम उतार लिए हैं, हम दूसरे भी इसी तरह से उतार लेंगे। देखिए इसको भी हम इस तरह से डाल देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखिए ये भी हमारे बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए हैं, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सेक उन्हें निकाल लेंगे हम बाहर। देखिए दोनों तरफ से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये हमारे कितने लाल सुर्ख उतर गए हैं, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं और हमें सर्व करके। देखिए हमारा आलू और सूजी का टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। देखिए खिचड़ी जल्दी बनके तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत कुरकुरा है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना करारा रहा है। आप इस तरह से बनाएं और बड़े और बच्चों को खिलाएं, एक बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं आप इन्हें। तो आपको हमारी वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी है, बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।